देखो शर्मा जी मिलने आए। राजीव शर्मा जी कौन? आपके टेबल पे मेरी किताब देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आपकी जो किताब है उसमें जो मास की हिस्ट्री है और उनका जो इन्फ्लुएंस हमारे कल्चर पे है, दैट्स ऑल वेरी फैसिनेटिंग। रियली? यस। ओह थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी किताब फैसिनेटिंग लगी हो तो यू नो पूरे दो लोगों ने ये किताब पढ़ी है, मैंने और आपने। वैसे आपको मिली कहाँ से ये किताब? दैट इटसेल्फ इज अ वेरी फैसिनेटिंग स्टोरी। मैं एक रिमोट लोकेशन में शूटिंग कर रही थी एंड माय कार ब्रोक डाउन। सामने ही देयर वाज अ बुक वेंडर और मेरी निगाहें आप ही के बुक पे पड़ी। एक्चुअली ये मास्क और मुखौटों से मुझे बड़ा फैसिनेशन है। काफी रिसर्च करते करते मुझे बहुत सारी कहानियां मिली। हाँ, जब मैं पढ़ रही थी बुक, आई जस्ट कुडंट कीप इट डाउन। इट्स ऑल सो फैसिनेटिंग। पर ये मास्क की स्टोरी स्केरी भी है। एक और चैप्टर भी था इस बुक में जो मैंने लिखा ही नहीं। क्यों? सोचा कोई बिलीव ही नहीं करेगा। क्या बिलीव नहीं करेगा? एक मास्क की ऐसी कहानी जो स्कैरी भी है और सच भी। लगता है बहुत चूहे हो गए यहां पे। क्या हुआ? क्या हुआ पढ़ा? कोई है वहाँ पे। कौन है? कोई नहीं है बाबा, मैं हूँ ना। मुझे डर लग रहा है सनी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूँ तुम्हारे साथ में। ओके? नहीं। शेखर, व्हाट अ लवली प्लेस या। हे कम ऑन पीकू मेरा चैंप, लेट्स हैव सम फन। मम्मा मैं खेलने जा रहा हूं। पीकू रुको, इधर आओ, बाद में जाओ खेलने। अरे शर्मिला जाने दो उसे, बच्चा है, यहाँ खेलने ही तो आया है। हाँ, और ये पूरे पिकनिक सेटअप की मेहनत हम अकेले करें। मुझे लगता है तुमने अपने काम का कुछ ज्यादा स्ट्रेस ले लिया, रिलैक्स। और नहीं तो क्या आया, वो डायरेक्टर हमारा अपने आप को बंसाली समझता है। लास्ट मिनट पे कहता है मुझे ऑर्गेनिक प्रॉप्स चाहिए। हाँ, पहले बोलना चाहिए था ना। प्रोडक्शन डिजाइनर हूँ यार, कोई मैजिक लैम्प की जीनी थोड़ी ना हूँ। उसकी वजह से तो ये पिकनिक भी कैंसिल होते होते बच गया, पता है तुम्हें। रिलैक्स, अब तुम टेंशन लेना बंद करो, हम यहाँ चिल करने आए हैं ना, सो जस्ट चिल। अंकल आओ ना। हाँ हाँ आया चैंप, दो मिनट। I'm so happy, you know, कि तुम दोनों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। He's accepted you. You know, मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। बहुत प्यारा बच्चा है। I just love him, you know. Only him, huh? हाँ हाँ, of course, only him. तुमसे कोई प्यार व्यार थोड़ी ना है।
शादी तो मैं तुमसे बस एवे, यू नो एवे कर रहा हूँ। गो, बक बक बंद करो, जाओ। पिकू, बस अभी बाद में खेलना। चलो आके खाना खा लो पहले। पिकू, आते हो कि नहीं? शेखर, bring him no। वाव, क्या खाना था, मजा आ गया। अंकल चलो ना। अरे पीकू, अभी अभी तो खाना खाया है, थोड़ी देर आराम कर लूं। प्लीज अंकल। पिता, लेट हिम रेस्ट, यू गो प्ले ना, गो। ओके। यू नो आई एम सो लकी टू हैव बोथ ऑफ यू इन माय लाइफ। मी टू। अरे यहाँ पर भी काम, कम ऑन। हाय। ओके, दिस पार्ट ऑफ माय लैप फॉर यू। ओके, थैंक यू। वाओ। क्या हुआ शर्मिला, क्यों चिल्ला रही हो? देखो ना, लग गया इसे। ओहो पिकू, ओके कोई बात नहीं, छोटी सी खरोच है। हां, इज अ ब्रेव बॉय अपना पिकू, करेक्ट? हम चलो इस पर दवाई डालते हैं। डोंट वरी, कम। पिकू तुम ठीक हो ना बेटा? कम यो, जस्ट लुक एट दिस, सो बैड। इट्स ओके, ठीक हो जाएगा। पीकू बेटा बोलो ना, हम है ना। क्या देख रही हो वहाँ पे, क्या है? तुम और तुम्हारे स्टूपिड प्रैंक्स यार, बस करो अब। हाँ, जस्ट रिलैक्स। पीकू बेटा क्या हुआ, आर यू रेडी टू गो? हाँ
मामा जा रहे हो ना रात को डिनर के लिए? हाँ, ऑफ कोर्स। चैंप, तुम्हारे लिए स्पेशल गिफ्ट। थैंक यू अंकल। अरे क्या हुआ तुम्हें? हाँ, और तुम्हारी चोट कैसी है? दवाई लगाई इस पर? छोड़ो ना अंकल, उसके बारे में बात ही मत करो। मम्मी ने कितना शूल कर लिया। ओह, ओके, नहीं बात करते हैं। अच्छा अपना गिफ्ट तो खोलो। चलो मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ। ओके टैब। मम्मी, अंकल ने मेरे लिए गिफ्ट लाया। वाओ, वेरी नाइस। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसे कैसे यूज करते हैं। नहीं, मैं सीख लूंगा। आजकल के बच्चे बहुत फास्ट हैं। हाँ, अभी शादी हुई भी नहीं और एकदम टिपिकल डैड बन गए हो तुम। आदतें बिगाड़नी शुरू कर दी इसकी। Don't spoil him, यार। Come on, यार, मैं हमेशा थोड़ी ना रहता हूँ। I know, लेकिन उसकी आँखों के लिए खराब है, you know, strain पड़ेगा आँखों पर। Okay, okay, sorry, angry mama। अच्छा सुनो, आज तुम सिर्फ डांट ही खिलाओगी या कुछ खाना वाना भी? Of course, चलो, come। इसी से तो ठीक हो जाएगा ना। लुक देयर, गुड बॉय, बस थोड़ा सा हो गया। चलो अब ये मुझे दे दो और आप सो जाओ, ठीक है? मस्ती बंद, कम। कम बेटा, गो टू स्लीप। क्या सोच रहे हो? अगले महीने विपुल का बर्थडे है। यू नो, कभी कभी लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट के वक्त और अच्छी तरह ट्राई किया होता तो आई डोंट नो। वी ट्राइड एज मच एज वी कुड, शायद किस्मत में ही नहीं था। थैंक्स फॉर बीइंग देयर। पता है शायद तुम उस वक्त नहीं होते ना तो मैं पूरी तरह से टूट गई होती। विपुल मेरा भी दोस्त था। एनीवेज, मैं चलता हूं, कल सुबह जल्दी उठना है। वो माँ का फोन आया था, वो पूछ रही थी कि हम शादी की डेट कब फिक्स कर रहे हैं। Soon, as soon as you're ready and I'm ready, let's fix it. Okay. I'll see you later.
सॉरी, क्या हुआ? मैंने बहुत बुरा सपना देखा. क्या सपना देखा? हाँ पता नहीं, भूल गया. अरे चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं नहाने जाती हूँ. ओके हुआ है, कोई सपना या फिर इसके पीठ पे किसी बिल्ली के पंजे के निशान लगे हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कोई बिल्ली है ही नहीं। एनीवे, मैंने टेटनेस का इंजेक्शन दे दिया है जी, कोई इंफेक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलता हूँ। थैंक यू। डोंट वरी, मैं भी आता हूँ।
बिक्कू मुझे बताओगे क्या हुआ था? जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था डर कोई था तो उसमें से कील निकला। एक अजीब सा आदमी, उसने मास्क पहना था, बहुत डरावने आके थे उसके। पिकू ये क्या बोल रहे हो, कहानियां बना रहे हो फिर से मुझे डराने के लिए? हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? शमीना रिलैक्स। पिकू मम्मी ना बहुत डरपोक है, हर छोटी सी छोटी बात से डर जाती है, बट यू तुम तो मेरे चैंप हो ना। यू नो व्हाट, मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं। अच्छा सुनो चलो कुछ मस्ती करें, हाँ लेट्स गो एंजॉय ourselves, या गिव मी अ फाइव, कम ऑन पिकू, या वेरी गुड गुड पिकू, कम ऑन यूज योर लेग्स पिकू, यूज योर लेग्स, ओके रेडी गो 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 गो। ओ ओ ओ ओ गुड जॉब, चेक चेक एंड बेक, ये ओहो यस सिक्स 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 है बोर्ड कुछ चाहिए बेटा? नहीं गुड, सो जा मैं हूं तुम्हारे पास, ओके कम कम बेबी करो स्लीप। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट बेटा। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था तो उसमें से कील निकला। हेलो हेलो शेखर, शेखर मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ शर्मिला? शेखर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि घर में कोई है। हाँ प्लीज शेखर कुछ करो। शर्मिला क्या हुआ? शेखर thank you.
शर्मिला 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 उठो उठो शर्मिला शर्मिला get up शर्मिला उठो शेखर उठो शेखर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ पिकू सब ठीक तो है पिकू 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 कुछ है पिकू प्लीज पिकू 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 तुम ठीक हो हाँ चलो चलो तुम मेरे साथ हेलो सुमित मैं यहाँ आने से पहले आपके घर गया था मैंने वहां देखा कि सब कुछ ठीक है दरवाजे भी ठीक से बंद है नहीं सुमित वहां सच में कोई था अंधेरा था तो उसका चेहरा नजर नहीं आया लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे कि उसने कुछ पहना हुआ था यू नो लाइक अ मास्क वो भागा मेरी तरफ और फिर मैं बेहोश हो गई फिर शेखर ने आके जगाया आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट ठीक है मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता हूँ और हम और क्लू ढूंढने की कोशिश करेंगे थैंक यू यार इमरजेंसी है डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा ये देखो ओह माय गॉड ये तो ऐसा ही शेखर ये तो वही है पिकू क्या ये वही है जो तुम्हें डरा रहा था जो तुम पर अटैक कर रहा था हाँ एक मिनट शेखर ये तो वही मास्क है ना जो हमें मिला था कौन सा मास्क हम लोग पिकनिक पर गए थे एक फार्म टाइप की जगह थी वहीं पे हमने देखा था ऐसे ही वाला मास्क कहाँ गए थे आप खपोली फाटक रोड बॉम्बे पुणे ओल्ड हाईवे बॉम्बे पुणे ओल्ड हाईवे ओके मैं पता लगाता हूँ थैंक्स सुमित डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा प्लीज जल्दी कुछ करना डोंट वरी हाँ ओके सब ठीक हो जाएगा ओके कुछ मिला नॉट येट ये देखो जहां हम गए थे उसी जगह पे 1991 में दो मर्डर्स हुए हैं एक कपल था ओ गॉड यहां तो मर्डर्स की पूरी लिस्ट बनी हुई है 1955 1991 और कुछ लिखा है इसके बारे में हाँ आसपास रहने वालों का कहना है कि मर्डर्स की शुरुआत हुई थी 1948 में एक चौकीदार की मौत हुई थी उसका काम रात में खेतों पे नजर रखने का था एक रात उसकी आंख लग गई और उस रात अचानक जमींदारों ने खेत का चक्कर काटा तो देखा कि वॉचमैन सो रहा है तो उन्होंने उसे मार मार के अधमरा कर दिया वहां जो बिचुका यानी स्केक्रो लगा था उसका मास्क निकाल कर उस चौकीदार के चेहरे पे डाल दिया और कील टोक दिए उसके चेहरे पे ताकि वो निकाल ना पाए उन्होंने उसे वहीं पे खेत में सूली पर चढ़ा दिया कुछ दिन बाद वो जमींदार भी मारे गए उनकी डेड बॉडीज मिली खेतों में उनकी आंखों में कील घुसे हुए थे फिर वक्त गुजरता गया वो मास्क कहां गया किसी को नहीं पता Come on, शर्मिला ऐसा भी होता है क्या I mean, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा एंड ये सब किस्से कहानियां हैं I mean, they're all nonsense. जो भी है शेखर हमें ये सब बातें सुमित को बता देनी चाहिए एटलीस्ट यू नो द फैक्ट्स सर डोंट वरी अबाउट इट सुमित मेरा दोस्त है आई एम श्योर ही विल डू हिज बेस्ट Thank you.
पिकू बेटा। ओह गॉड पिकू 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 उठो, देखो शेखर ये सब देखो, अपनी आंखों से देखो, ये सब नॉनसेंस नहीं है। शर्मिला आई डोंट बिलीव इट, ये इतने सारे डेल्स यहाँ कैसे आ सकते हैं, इट्स क्रेजी। पिकू 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 लगता है बेहोश हो गया, मैं सुमित को फोन करता हूँ। पिकू क्या बोल रहा है शेखर, देखिए यार भूत भूत कुछ नहीं होते, सब बकवास की बातें हैं ये। सुमित ये बकवास नहीं है, जो हमने यहाँ देखा उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है यार। I'm sure all this is related to वो जगह या वो मास्क, I don't know। देखो मुझे लगता है हमें वहां चलना चाहिए। देख इन फालतू बातों के चक्कर मत पड़, मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ ना, give me some time please। ओके अपना ख्याल रखना सुमित। वो हमारी बात का यकीन नहीं कर रहा, he's not coming। क्या करें, हमें कुछ करना होगा। शेखर कुछ भी हो जाए हमें इसका सामना आज ही करना है, क्योंकि ना कोई डॉक्टर ना कोई पुलिस हमारी मदद कोई नहीं कर सकता, इसका सामना हमें खुद ही करना पड़ेगा। शेखर शर्मिला मेरे पास ही रहो, स्टे विद मी। शेखर शेखर आर यू ओके, वो यही आसपास है। यू फेल्ड हिम डिड यू? यस आई फेल्ड हिम, वो यही आसपास है। यही कही साथ रहो। अच्छा बाहर निकल, मेरी फैमिली पे अटैक करता है। इधर ही है वो, इधर ही है। क्या कर रहे हो शेखर?
शेखर, शेखर, शेखर। अंकल। सब ठीक हो गया। Everything's okay. देखो, पिकू भी ठीक है। पिकू के नाना मेरे पड़ोसी हैं। उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। अच्छा किया आपने इस कहानी को किताब में नहीं रखा। You were right. कोई बिलीव नहीं करता। आप तो करती है ना? जी। जाने से पहले if you could just sign this for me. अच्छा। Thanks a lot. My pleasure.